हे फ्रेंड्स, मैं अनीस और आज हम फिर से खेलने वाले हैं यहाँ पे गेना फ्री फायर का एक गेम प्ले। और दोस्तों, आप मेरे द्वारा खेले गए कोई भी गेम प्ले को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना चाहते हो तो आप बेशक कर सकते हो। मुझे कोई क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं किसी अपने भाई को कॉपीराइट स्ट्राइक दूंगा। तो आप मेरे जो भी कंटेंट है उसको आप अपने यूट्यूब चैनल पर एज इट इज़ अपलोड कर सकते हो और अपना मोनेटाइजेशन भी इनेबल कर सकते हो। और मेरे तकरीबन खेले हुए गेम प्ले आप लोगों को क्रिएटिव कॉमन मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे उतर चुका हूँ मेल पे, शायद मेल के कौन से एरिया मुझे नहीं पता। और मैं यहाँ पे फटाफट सबसे पहले गन ले लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे एनिमी किल करने वाला हूँ और आप लोगों को अच्छे खासे किल करके दिखाऊंगा। और लास्ट में इस मैच में आप लोगों को जीतने की भी कोशिश करूँगा यार। तो देखते हैं भाई क्या होता है इस मैच के अंदर, क्या मैं जीत पाता हूँ कि नहीं जीत पाता, और देखते हैं मैं यहाँ पे कितने किल हमें मिल पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी लूट आ चुकी है और बस अभी एनिमी को हम फाइंड करते हैं कहाँ पे है एनिमी। तो फिलहाल तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा पब्लिक तो यहाँ पे नहीं उतरी है और साइड से मुझे कहीं से फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं भाई कौन कहाँ पे किसको मार रहा है और चल के फैसला करते हैं। तो दोस्तों, मैंने उस एनिमी को स्पॉट कर लिया यहाँ पे और ये क्या, इसके बाद तो बेचारे के पास कुछ भी नहीं है और शायद ये हवा में लटका हुआ था और इसी पे शायद फायरिंग की जा रही थी। और आप लोग देख सकते हो सामने की तरफ से मेरे पे फायरिंग के कुछ आ रही है। और दोस्तों, एक गाड़ी भी दौड़ती हुई जा रही है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे चढ़ जाता हूँ क्योंकि अगर नीचे रहूँगा तो एक गाड़ी वाला भाई साहब भी मेरे को किल कर देगा। तो सबसे पहले ये लीजिए, मैं इस गाड़ी पे फायर कर देता हूँ और ये लीजिए, मैंने इसको किल कर दिया। दोस्तों, इसी के साथ हो चुके हैं मेरे पास 2 किल और सामने से जो फायरिंग हो रही थी उस बंदे का मेरे को अभी भी पता नहीं है कि वो कहाँ गया। और यहाँ पे मेरी गेम की सेंसिटिविटी थोड़ी सी बिगड़ गई है और काफ़ी मतलब मैंने 100 कर दी है मेरी गेम की सेंसिटिविटी। और यहाँ पे कह रहा है गाड़ी लेने के लिए तो मैं यहाँ पे गाड़ी नहीं लेने वाला। और अपडेट आने के बाद ये पता नहीं ये क्या पंगे आने शुरू हो गए पीले कलर में। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अभी तक 40 लाए हुए हैं और मेरे पास हो चुके हैं यहाँ पे 2 किल। तो दोस्तों, मेरे पास अभी भी अच्छी गन नहीं है और वैसे तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ मेरे पास अच्छी गन नहीं है। और वैसे मैं गन मेरे को सिर्फ एक गन का ही पता है, वो ग्रोजा टाइप आती है। अब वो कौन सी गन है उसके बारे में मेरे को नहीं पता। मैं यहाँ पे अपनी थोड़ी सी सेंसिटिविटी सेटिंग कम कर लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से खेल सकूँ। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे 2 किल हो चुके हैं और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे भी मेरे पास बुलेट फायर हुई और ये रहा एनिमी और ये मैं इसको अभी ढेर कर देता हूँ यहीं पे ये लो। तो दोस्तों, ये भी मैंने इसको मार दिया। और दोस्तों, मेरे पास हो चुके हैं यहाँ पे 3 किल और भाई जो भी आ रहा है मैं उसको लिपटाते हुए जा रहा हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक गाड़ी आई है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इस गाड़ी पे कुछ बुलेट फायर कर देता हूँ और ये बच के भाग रहा है। दोस्तों, भाग रहा है तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। मैं भी जाता हूँ इसके पीछे पीछे और देखता हूँ वहाँ पे क्या माजरा होता है, क्या मेन सीन चल रहा है। तो ये उतरा होगा तो वहीं कहीं उतरा होगा ये बंदा। तो देखते हैं पहले ये कहाँ गया, ये गाड़ी कहाँ गई। तो ये शायद कहीं छिप गया है तो मुझे तो दिखाई तो नहीं दे रहा। और दोस्तों, वो उसकी गाड़ी यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे कॉर्नर पे खड़ी हुई है। और तो ओब्वियसली बंदा ये यहीं कहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, और ये बंदा किसी पे शायद फायर कर रहा है और मैंने इस बंदे को फाइंड कर लिया है। वो ये सिर्फ आगे की साइड है वो बंदा। तो मैं भी चलता हूँ वहाँ पे और मिलते हैं उस भाई साहब से। नहीं, यहाँ पे तो नहीं है वो रहा। दोस्तों, मैंने यहाँ पे उसको स्पॉट कर लिया और ये लीजिए, इसका भी हमने इजीली किल कर दिया। अब ये बंदा किस पे फायर कर रहा था, चलिए अब उसको देखते हैं। ये भी किसी पे शायद फायर कर ही रहा था। तो ये बंदा जिस पे फायर कर रहा था वो बंदा कहाँ है मुझे नहीं पता। और चलिए पहले यहाँ से थोड़ी सी लूट कलेक्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों, मैंने उस बंदे को भी फाइंड कर लिया, ये बंदा जिस पे फायर कर रहा था। तो वो आप लोग देख सकते हो दौड़ते हुए जा रहा है और ये लीजिए, मैंने उसका भी किल कर दिया। तो यहाँ पे हो चुके दोस्तों मेरे पास 5 किल। और दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास कम से कम 3 एनिमी और होने चाहिए। तो मैं फिर से जंप मारने की ट्राई करता हूँ यहाँ पे, एक और जंप, और नहीं चढ़ पाया। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं सबसे पहले यहाँ से लूट कलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे लेवल 3 का बैग पड़ा हुआ है और काफ़ी सारी बुलेट्स एमओ वगैरह मेरे को यहाँ पे मिल गई। और ये लीजिए, मैं यहाँ पे अपना हेलमेट चेंज कर लेता हूँ। और ये यहाँ पे AKM जैसे मेरे पास गन भी आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं आगे अब क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं AKM हाथ में उठा लिया और यहाँ पे तो कुछ चारों तरफ कुछ दिख नहीं रहा है। और मैंने फिर से अपनी गन चेंज की,
और चलिए मैं फिर से दौड़ पड़ा और ये लीजिए मैंने एक और बार टायर पे जंप मार दी। यहाँ पे मेरे को गन तो ये भी अच्छी है पर मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, अपने ए के एम के साथ ही रहना चाहूँगा क्योंकि शायद हो सकता है कि ए के एम का डैमेज ज़्यादा हो यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे एक और हेल्थ किट तो दोस्तों यहाँ पे, तब यहाँ पे कोई बंदे बंदे बचे नहीं हुए हैं और एक ग्रेनेड कोई काम का ही नहीं है, साला एकदम बेकार है, लेकिन फिर भी चलिए मैं उठा लेता हूँ। कभी मैंने आज तक इसको यूज़ नहीं किया, चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं। और ये मैंने फेंका और देखते हैं क्या होता है। ये बूम में एकदम बकवास टाइप है, कोई खास मज़ा नहीं आया। तो मेरे को नहीं लगता इससे कोई एनिमी किल भी हो पाता होगा कि नहीं हो पाता होगा। तो यहाँ पे पीछे, और यस मेरे पास ये अच्छे वाली गन आ गई, ग्रोजा ग्रोजा एक पता नहीं कौन सी है, P2 पता नहीं इसको कौन सी गन बोलते। और इसके साथ मेरे पास इसकी कुछ यहाँ पे एमओ भी मैं ले लेता हूँ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक और लेवल 2 का बैग जो कि मैं नहीं उठाऊंगा क्योंकि मेरे पास लेवल 3 का बैग है। और यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कब कुछ बंदे बचे होंगे क्योंकि अभी भी ये आँख के निशान के ऊपर आप देख सकते हो 3 लिखा हुआ है। ये 3 किस लिए है ये मुझे नहीं पता, यहाँ पे हो सकता है ये कह रहा हो कि 3 बंदे आसपास हैं या नहीं है, पता नहीं क्या है। लेकिन इसी के साथ हो सके तो दोस्तों इसी के साथ हो चुके हैं मेरे पास यहाँ पे 5 किल और 13 अभी अलाइव हैं। तो देखते हैं 13 बंदे मेरे को मार पाते हैं या मैं इनकी मार मार के धुलाई कर देता हूँ। देखते हैं, जो भी होगा आप लोगों के सामने होगा। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, एक चीज़ सिर्फ ये 4 क्लिप पे खड़ी हुई है और कंटेनर कुछ पड़े हुए हैं। तो चलिए भाई मैं ऊपर यहाँ पे जंप मार रहा हूँ, जंप मार रहा हूँ और कुदा का दी करके देख रहा हूँ कोई दिख जाए मिल जाए इन 13 में से। अगर मेरे को एक भी मिल गया तो यहाँ पे देख सकते हो 13 में से भी शायद प्लेयर कम हो चुके हैं और एक दो बंदे और मारे गए हैं। अब ये सबसे बुरी बात लगती है, एक दो तो फटाफट एनिमी नहीं मिलते। तब तो मैं यहाँ से सोच रहा हूँ ये कार लूँ नहीं लूँ, कार लेके क्या करूँगा। और यहाँ पे हेलमेट वगैरह पड़े हुए हैं तो मैं यहाँ पे जंप मार लेता हूँ थोड़ी सी। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मैप भी अभी काफ़ी बड़ा ही है, सर्कल अभी छोटा नहीं हुआ। और मैं मैप में यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया मुझे किस साइड जाना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ और देखते हैं वहाँ पे हमें क्या कुछ क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है। तो ये कार लूँ ना लूँ कन्फ्यूजन है दोस्तों। तो क्या, चलिए मैं कार ले लेता हूँ यहाँ से, कार मैंने उठा ली है। तो चलिए अब इसको चला के देखते हैं कार को और जल्दी से सर्कल के और निकलते हैं और वहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ एनिमी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ फुटप्रिंट की या गन रिलोड होने की आवाज़ आ रही है और सोच रहा हूँ अगर कोई मेरे पे फायर करे तो मेरे को यहाँ पे 1 किल और मिल जाए। तो शायद नहीं किया किसी ने मेरे पे फायरिंग और यहाँ से मैं कार लेके चल पड़ा। तो ये कार शायद मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम है कि पता नहीं कुछ बग है, ये कार अच्छे से चल नहीं रही है क्योंकि मैं इसका कार का एक्सीलेटर दबा रहा हूँ और ये कार ये देख सकते हो कितनी स्लो चल रही है पता नहीं क्यों। तो ये लीजिए चलिए अभी स्पीड से चलने लग गई और लो ये ठुक गई। तो मैं ऊपर इस साइड से ऊपर चढ़ाता हूँ इसको, यहाँ से यहाँ से यहाँ से थोड़ा सा जल्दी चढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों उस साइड ड्रॉप भी गिर चुका है तो हो सकता है ड्रॉप की साइड बंदे हों। तो चलिए चलते हैं भाई ड्रॉप की साइड ही, वहीं फाइट लेंगे अब। और 9 बंदे अभी अलाइव हैं। तो दोस्तों हम देख सकते हो हम यहाँ पे ड्रॉप के पास आ गए। तो देखते ड्रॉप के अंदर क्या है। चले तो मेरे को लगता है इसमें AWM मिल जाए और हेडशॉट हेडशॉट मारेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे को मिला एक सड़ा सा लेवल 3 का हेलमेट, लेकिन फिलहाल तो वो भी काम का है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और ड्रॉप में कुछ अच्छी खासी लूट नहीं मिली, या हो सकता है कि पहले ही किसी ने ड्रॉप लूट लिया हो तो वो कह नहीं सकते। तो दोस्तों इसी के साथ हो मेरे हैं 5 किल और 6 बंदे अभी अलाइव हैं। तो मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ और अब इसमें पता नहीं एक अजीब सी आवाज़ और आने लग गई। और यहाँ पे कोई बंदा मिल जाए और मैं उसका किल कर दूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपनी हेल्थ रिकवर कर लेता हूँ पहले, ताकि फाइट में मेरे को और ज़्यादा से ज़्यादा मैं फाइट में टिक सकूँ। क्योंकि इस गेम में या कोई भी सर्वाइवल गेम खेलते हो तो आप लोगों के हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों मैंने यहाँ पे दिख गई मेरे को एक, ये देखिए ये भाई साहब गाड़ी लेके घूम रहे हैं यहाँ पे जैसे कि देखिए। तो चलिए इसका किल करते हैं, इसकी खोपड़ी तोड़ते हैं पहले। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इस घर के अंदर घुस जाता हूँ और उसके बाद इसको मैं मारूँगा।
तो ये मैं घर के सीढ़ियों पे चढ़ते हुए और देखता हूँ अभी कहाँ गया। तो दिख तो नहीं रहा है भाई, लगता है शायद काफ़ी दूर निकल गया यहाँ से, लेकिन किस साइड गया वो अभी भी कंफ्यूजन जैसा है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है और 5 बंदे अलाए, 5 मैंने किल किए हैं। लेवल 3 का यहाँ पे बैग पड़ा हुआ है और सामने ड्रॉप है, हो सकता है ड्रॉप की साइड ही बंदे। और वहाँ पे देख, आप लोग देख सकते हो दोस्तों, एक जीप खड़ी हुई है, तो दूर से तो ये स्पॉट करना मुश्किल है कि उस जीप में एनिमी है कि नहीं। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपनी सेंसिविटी और कम कर लेता हूँ, मैंने 51 सेंसिविटी कर ली है। और अब देखते हैं, तो यहाँ पे तो मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा है बंदे किस साइड हैं किस साइड नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने स्कोप ले लिया यहाँ से, और यहाँ पे एक हेलमेट पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक गन पड़ी हुई है, और यहाँ पे कोई भी बंदा मेरे को दिख नहीं रहा है। शायद मुझे भी अब सर्कल के अंदर बढ़ना पड़ेगा अगर मेरे को बंदे का एक दो का और किल लेना है तो। तो मेरे सामने एक वो खंडर जैसा है, तो मेरे लिए शायद वही सेफ जगह रहेगी, क्योंकि वो उसी साइड शायद सर्कल भी है। और देखते हैं वहाँ पे बंदे आ भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं। और अभी भी 3 बंदे अलाए हुए दोस्तों, मेरे सिवाय 2 बंदे और हैं। अब वो 2 बंदे कहाँ है वो नहीं पता। और पहले 5 बंदे अलाए हुए थे, जिसमें से शायद 2 बंदे सर्कल की वजह से मर गए। ठीक है, तो क्योंकि अगर फाइट होती तो बुलेट की आवाज़ आती और मेरे को भी एनिमी फाइंड करने में काफ़ी आसानी होती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। डायरेक्टली 2 बंदे किल हो गए, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 2 बंदे सर्कल से मर गए। दोस्तों आप लोग देख सकते हो सामने की साइड वो गाड़ी खड़ी हुई है और हम बचे हुए हैं 3। और मैं इसके अंदर घुस जाता हूँ और उसके बाद देखता हूँ, तो शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इस गाड़ी पे कोई है नहीं, गाड़ी ऐसे ही खड़ी है। और यहाँ पे एक और ड्रॉप गिरता हुआ दोस्तों आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे इस साइड कोई बंदा दिख जाए दोस्तों, लेकिन 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 यहाँ पे कोई भी बंदा मुझे नहीं दिख रहा है। तो बंदे होने चाहिए आसपास ही कहीं पे। तो और हम बच चुके हैं 3 और मैंने 5 किल किए हैं, तो अब हम ये मैच है मतलब हम 3 के बीच में। तो हो सकता है कि इन दोनों में से अगर कोई प्रो प्लेयर हो मिल जाए तो मैं गया, और भाई अगर नूब टाइप हुए तो ये दोनों गए। तो देखते हैं अभी क्या होता है, और मैं कंटिन्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ बंदों को। तो अभी तक तो मेरे को कोई दिख नहीं रहे हैं और अभी भी 3 के 3 अलाइव हैं। तो अब ये 2 बंदे और कहाँ हैं ये तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है। और अगर मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ दोस्तों, वो गाड़ी चल रही है और ये देखिए। तो चलिए सबसे पहले मैं इसी का किल यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे, और ये तेज़ी से गया है भाई गाड़ी लेके। और दोस्तों इस गाड़ी वाले ने एक बंदे का किल कर दिया और अब बच गया हम दोनों के बीच में मैच, और इसने मेरे पे गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और मैं बच गया। और मैं इस मॉन्स्टर ट्रक को तोड़ देता हूँ, पहले ब्लास्ट कर देते हैं और उसके बाद मैं भी इसको किल करने में आसानी। और मैं इस पर देखिए स्कोप ऑन कर लिया मैंने और इस पर मैं कंटिन्यू फायर करूँ, और ये लीजिए मैंने इसको यहाँ ब्लास्ट कर दिया और ये उतरा एनिमी और ये मैंने इसको ठोक दिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज के वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।